And here's an update and an assurance that had come in from the Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis on all efforts on ground. Take a listen in. आज मैंने सारी परिस्थिति का जायजा लिया है और मैंने जो पुलिस की कंट्रोल रूम है महाराष्ट्र सरकार की कंट्रोल रूम है बीएमसी की कंट्रोल रूम है सब जगह मैं गया हूं अभी मुंबई महानगर पालिका हो चाहे पुलिस विभाग हो चाहे ट्रैफिक विभाग हो ये सारे के सारे जो विभाग है ये पूरे 24/7 काम कर रहे हैं इनकी सारी हेल्पलाइंस काम कर रही है ये इनके सारे लोग जो है ये रास्तों के ऊपर है लोगों को मदद कर रहे हैं ये बात सही है कि मुंबई में कई जगह पर फ्लडिंग हुआ है क्योंकि बारिश बहुत ज्यादा हुई है साधारण अगर हम देखें तो 6-7 जगह तो 200 से ज्यादा एमएम वो बारिश हुई है एवरेज अगर देखें तो 120 से ज्यादा ये बारिश हमको दिखाई पड़ रही है इसके कारण बहुत बड़े पैमाने पर हमको ये वाटर लॉगिंग दिख रहा है 209 पंप बीएमसी के वाटर इवैक्यूएशन का काम कर रहे हैं बावजूद उसके जब हाई फ्लड होता है उस समय ऊपर से बारिश और हाई फ्लड हो तो ऐसे समय पानी निकलने को भी थोड़ा सा समय लगता है जहां वाटर लॉगिंग हुआ है फॉर्चुनेटली मुंबई में कंप्लीट सीसीटीवी कवरेज होने के कारण सारी और तीनों जगह हमारे पास इसकी मॉनिटरिंग सिस्टम है उसकी वीडियो वॉल्स है तो हम सारे एरिया को मॉनिटर कर रहे हैं बीएमसी अपने तौर पर कर रही है पुलिस अपने तौर पर कर रही है ट्रैफिक विभाग कर रहा है और इसके माध्यम से लगातार एडवाइजरीज दी जा रही है जहां पर वाटर लॉगिंग है वहां पर ट्रैफिक किस प्रकार से डाइवर्ट हो इसका प्रयास किया जा रहा है और जहां पर ट्रैफिक स्लो हो रहा है वहां पर हम अल्टरनेट रूट्स कैसे दे पाए इसका प्रयास किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि सारे प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही है लोगों को हमने ये भी कहा है कि लोग ट्विटर पर हमको मैसेज देते हैं तो वहां पर भी हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं एसएमएस पे व्हाट्सएप पे हमारी हेल्पलाइंस पे लोगों की ओर से मैसेजेस आ रहे हैं ये सारे मैसेजेस को रिस्पॉन्ड किया जा रहा है तो मुझे लगता है कि पूरे तरीके से ये प्रयास चल रहा है रेलवे मूल रूप से अभी बंद है और रेलवे प्रशासन से जो मेरी बात हुई अभी 4:30 बजे से हाई टाइड चल रहा है उनका मानना है कि हाई टाइड एक घंटा पीक पर रहेगा उसके बाद वो जायजा लेंगे और उसके बाद रेलवे शायद वो शुरू कर पाएंगे तो उससे ट्रैफिक भी कम हो जाएगा अभी बसेस जो है अगर 20 बसेस छोड़ दी जाए तो सारी बसेस अभी रास्तों पर काम कर रही है एडिशनल बसेस की भी व्यवस्था ये यहां पर की जा रही है कि जिसके माध्यम से लोगों को घर पहुंचाया जा सके लोगों को मैं फिर एक बार इतना ही यहां पर निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत आवश्यक काम हो तभी लोग घर से बाहर निकले अन्यथा घर से बाहर नहीं निकले दूसरा मैं लोगों को ये भी निवेदन करना चाहता हूं जो लोग ऑफिसेस में हैं भले हमने दोपहर से ही ऑफिसेस में कहा है कि आप लोगों का चूंकि एकदम शाम को प्रेशर न हो तो उनको आप छुट्टी दें लेकिन बावजूद छुट्टी के लोगों ने हमारे ट्रैफिक एडवाइजरीज को देखकर ही रास्तों के ऊपर निकलना चाहिए अन्यथा रास्तों में भी वो अटक सकते हैं तो ये सारी एडवाइजरीज को देखकर अगर वो बाहर निकलेंगे और अगर उनको रुकना पड़ा तो शाम को रात को सारी व्यवस्थाएं हम करेंगे बसेस की या ट्रेन की जो व्यवस्था है जिसके माध्यम से वो अपने अपने घर पहुंच पाए तो इसलिए पैनिक ना होते हुए इस सिचुएशन को मॉनिटर करते हुए हमारी एडवाइजरीज को समझकर लोग काम करें एक और निवेदन मेरा है कि जहां पानी बहुत ज्यादा भरा है और लोग अगर गाड़ियों में तो लोग ये ध्यान दें कि कई बार इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स गाड़ियों की फेल होती है और दरवाजा लॉक हो जाता है या उसकी जो कांच होती है वो भी लॉक हो जाती है तो ऐसे में लोग बाहर नहीं निकल पाते ऐसा अगर पानी ऊपर आ रहा है तो ऐसे समय गाड़ी को छोड़ दे साइड में लगा दे और छोड़ दे गाड़ी को और अपने जान जो है वो जोखिम में न डाले मुझे ऐसा लगता है कि अगर लोगों ने एडवाइजरीज फॉलो की तो निश्चित रूप से हम जो नुकसान है उसको कम से कम कर सकते हैं और पूरे तरीके से प्रशासन मुस्तैदी से काम करने की कोशिश कर रहा है हम लोग बिल्कुल इसमें लगातार मौसम विभाग से भी अलर्ट्स ले रहे हैं और मौसम विभाग के अलर्ट्स के अनुसार आगे की एडवाइजरीज ये लोगों को दी जाएगी All right, some more of advice, of course, that's come in from the Chief Minister and other precautionary measures that have been taken. But the priority, of course, now being to ensure that people are back home safe tonight. With that, it's a wrap on the show, but it's not a wrap on the non-stop coverage of the Mumbai rains that we're getting you at Mirror Now. Please stay with us.